हेलो, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। तो भैया जी, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लेट आई है, लेकिन क्यों आई है? इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और अभी आप देख रहे हो ना, मैं बिल्कुल अकेली जगह में सोया हुआ था, खुद को रिलैक्स करने के लिए। तो भैया जी, सीन कुछ ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से ना मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो मैं सोचा कि कहीं खुली जगह में सोते हैं, तो फिर क्या था, फिर मैं अपना सोने का जुगाड़ बना लिया था इसी छत पे ही। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज दिन है संडे। तो पहले थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेते हैं, काम कुछ खास है नहीं, एक दो कपड़े बस उसको साफ कर लेते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भैया जी, हमारा काम हो चुका है ख़त्म और हम हो चुके हैं पूरे तरीके से रेडी। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब से मैंने लैपटॉप लिया है, तब से मैंने एक भी नई वीडियो बनाया है और ना ही कभी मैंने इसको ढंग से चलाया है। जानते हो क्यों? जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? मेरा चेहरा नहीं, तो फिर क्या दिखता है? मेरा चश्मा। तो जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको जो सबसे पहले दिखता है वो दिखता है मेरा चश्मा। लेकिन आपको इस वीडियो में मेरा चश्मा नहीं दिखा होगा, राइट? पता नहीं क्यों मेरा सिर पूरा भारी हो जाता था और मुझे कुछ भी करने में मन नहीं लगता था। ना मैं लैपटॉप चलाता था, ना मुझे काम करने में अच्छा लगता था, और मैं पूरा दिन मन करता था बस लेटा रहूं, आराम करता रहूं। मैं पार्क चला जाता था टहलने के लिए ताकि मेरा सिर किसी भी तरह हल्का हो जाए, लेकिन नहीं। जब मेरा सिर आराम नहीं हुआ तो लास्ट में मुझे जाना पड़ा चश्मे की दुकान पे, और वहां पे मैंने अपना चेकअप करवाया आंखों का। तो उन्होंने कहा, भैया आपका नंबर तो नहीं बढ़ा है, लेकिन आपका देखने का जो एंगल है ना, वो चेंज हो गया है। क्योंकि यार मैं भी सुना ना एंगल, तो मैं भी सोचा एंगल क्या होता है, तो चश्मे में भी काफ़ी एंगल होता है, ऊपर नीचे ये सारे एंगल होते हैं। तो मेरा जो था ना, नंबर नहीं बढ़ा था लेकिन एंगल चेंज हो गया था। तो फिर क्या, मैंने अपने चश्मे में नया लेंस लगवा लिया और अभी तो उससे थोड़ा बहुत मुझे आराम लग रहा है, तभी तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो ये था मेरा दूसरा रीज़न जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता था। और अब हम बात करते हैं पहले रीज़न के बारे में। तो भैया जी, आप पहले के रीज़न को पहले बता देते। देखो, मुझे नहीं पता है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन मैं अपना लैपटॉप लेकर आया था, उसके अगले ही दिन से जो मेरे गर्दन में दर्द शुरू हुआ, वो आज तक हल्का फुल्का है ही, अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत अभी भी दर्द है ही। और इस गर्दन के दर्द से मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मुझे कुछ भी करने में अच्छा नहीं लगता था, मुझे लैपटॉप चलाने में भी अच्छा नहीं लगता था, तो मैं वीडियो कैसे बनाता? जिस दिन से मेरे गर्दन में दर्द शुरू हुआ, उस दिन से मैंने अपने ऑफिस में फ्लैक्स मशीन को भी चलाना छोड़ दिया, डिजिटल मशीन को चलाना शुरू कर दिया। और फ्लैक्स मशीन को मैंने चलाना इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे हमेशा ना उस प्रिंट की ओर नज़र रखना पड़ता था, और ऑफिस में जो मेरा काम है वो है इस फ्लैक्स मशीन को चलाना, तो मैं पूरे दिन इस फ्लैक्स मशीन को चलाता था। और मेरी आंखों में भी दिक्कत था, तो मैं ज़्यादा देर फ्लैक्स मशीन की ओर देख भी नहीं पाता था, क्योंकि फ्लैक्स मशीन की जो लाइट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ज़्यादा देर जैसे ही मैं देखता था फ्लैक्स मशीन की ओर, तो मेरी आंखें जो है वो दर्द करना शुरू हो जाता था। तो यहाँ पर आप फ्लैक्स मशीन देख सकते हो, और इसकी जो लाइट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब प्रिंट होता है, जब प्रिंट चलता है, मशीन चलता है, तो हमारा नज़र हमेशा यहाँ पर होता है। तो जैसे ही मैं ज़्यादा देर देखता था, तो मेरी आंखों का जो दर्द है वो बढ़ जाता था।
और जब भी फ्लैक्स मशीन चलता है, जब भी हमारा प्रिंट होता है ना, तो मुझे देखना भी ऐसे पड़ता था, तो ऐसे देखना पड़ता था। तो ये जो हिस्सा है गर्दन का, वो इसका एंगल जो थोड़ा झुका हुआ था, तो इस कारण से गर्दन में भी दर्द शुरू हो जाता था, तो इसीलिए। और करता भी क्या, यूं ही एक्सरसाइज और करता रहता था और दवाई खाता रहता था। तो भैया जी, अब आप सोच रहे होंगे कि अब आप कैसे हो? अभी पहले से तो ठीक हूँ, बाकी बहुत जल्द पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगा, लेकिन अभी भी मेरे गर्दन में दर्द और थोड़ा बहुत सिर भारी हो ही जाता है, बाकी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। खैर छोड़ो, हमारी ज़िंदगी में तो इतना बहुत चलता ही रहता है, जब ज़िंदगी को जीना है तो इतना क्या देखना और क्या सोचना, इतना तो चलता ही रहता है। और सबसे जो बड़ी बात है ना, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो चाहे गर्दन में दर्द हो चाहे सिर भारी हो, काम तो करना ही पड़ता है। तो मैं कभी भी ना ऑफिस से छुट्टी लिया और ना कभी मैं घर में बैठा, दर्द होता भी था फिर भी मुझे ऑफिस जाना पड़ता था, क्योंकि भैया जी हम मिडिल क्लास के फैमिली है ना, ऐसे तो छुट्टी ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा इनकम का सोर्स भी तो बस एक ही है, वही ऑफिस, और जब उसी से छुट्टी कर लेंगे तो हमारा गुजारा तो बंद ही हो जाएगा ना फिर। बाकी आपसे जो वीडियो है वो टाइम से आती रहेगी, तो वो जो आपके नीचे में लाल फॉन्ट में लिखा होगा कुछ सब्सक्राइब करके, उसको दबा देना। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वो लाल वाला बटन दबाना मत भूलना, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में।